नमस्कार मैं डॉक्टर मौसम मीणा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी आज हम मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत एंटीजें या प्रतिजन के बारे में स्टडी करेंगे यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और यूनिट फिफ्थ का है अब हम यहाँ पर एंटीजेंस या प्रतिजन के परिभाषा के बारे में देखेंगे कि एंटीजेंस होते क्या है तो एंटीजेंस जब एनिमल की बॉडी में कोई एक्सटर्नल मटेरियल अगर एंटर करता है तो उसकी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो बाहरी मटेरियल्स होते हैं उनको एंटीजन कहते हैं तो जो एंटीजन होते हैं वो बॉडी में एक प्रकार से स्पेसिफिक टाइप्स का एक एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं और ये एंटीजन होते हैं वो क्या होता है एनवायरमेंट जैसे कि केमिकल्स बैक्टीरिया वायरस और पोलन इन सब्सटेंस से ये आते हैं तो ये एंटीजन होते हैं वो केमिकली रूप से प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड के बना होते हैं और एंटीजन में स्टीरियो केमिकल का करेक्टर भी पाया जाता है जिसके कारण ये इसमें थोड़ी इस भी पाई जाती है और एंटीजन टिश्यू से एंजाइम सिक्रेशन के प्रति भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं और ये एंटीजन टिश्यू को स्मॉल इम्यूनो जेनिक उसमें सेगमेंट में ये इसको डिवाइड करते हैं और इसके एक्सटर्नल इसके अलावा जो दूसरे के स्पेसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एंटीजन एंटीजेनिक होते हैं और उसी स्पेसीज़ के मेंबर्स का ही एंटीजन कम प्रतिजनक होता है और एंटीजन एक तरह से स्ट्रों एंटीजेनिक एंटीजन की सरफेस होती है इस पर एंटीजेंस डिटर्मेंटिक साइट भी पाए जाते हैं जहाँ पर आकर की एंटीबॉडीज इसके साथ अटैच होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होती हैं उसकी कंपेयर एक तरह से की एंड लॉक से भी की जाती है अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजेंस या प्रतिजन के प्रकारों के बारे में तो एंटीजेंस को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है कंप्लीट या पूर्ण एंटीजन और सेकंड है हेपटेंस और थर्ड है प्रो एंटीजन और लास्ट फोर्थ है क्रिप्ट एंटीजन कंप्लीट या पूर्ण एंटीजन तो ये एंटीबॉडी उत्पन्न करने का एक तरह से इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वह स्टूमल प्रोड्यूस करके और पूरी तरह से उसको फॉलो भी करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो एक तरह से इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो प्रेक्षणीय होती है टेंस तो ये भी एक तरह से केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में ये खुद तो अनकेपेबल होते हैं लेकिन इस रिएक्शन के लिए इनको किसी बड़े वेक्टर की या मॉलिक्यूल की हेल्प लेनी पड़ती है जैसे कि ये प्रोटीन के साइड साथ जुड़ जाता है तो हेप्ट का जो मॉलिक्यूल वेट होता है वो आठ हज़ार से भी कम होता है तो इनको पार्सल एंटीजन भी कहते हैं ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स टाइप के भी होते हैं तो सिंपल टाइप के जो हैपटेंस होते हैं वो एंटीबॉडी के साथ प्रिसीपेट बनाते हैं जबकि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो हैपटेंस होते हैं वो प्रिसीपेट नहीं बनाते अब है थर्ड टाइप प्रो एंटीजेंस या पूर्व एंटीजन तो ये भी कम मालिकल वेट वाले केमिकल मेटेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में अनकेपेबल होते हैं लेकिन इनकी देर से जो होने वाले इफेक्ट होते हैं डेली इफेक्ट, जैसे हाइपर सेंसिटिवी टी या कोशिका के जो मध्य में इम्यूनिटी शो करते हैं ये पूरी तरह जो हॉस्ट के प्रोटीन है उनके साथ बाइंडिंग बनाने पर ही ये एक्टिव होते हैं इनके एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे प्रिक्रिक्लोराइड और डाइनो ट्राइक्लोरोलजीन अब इसका फोर टाइप्स है क्रिप्टो एंटीजन या गुप्त एंटीजन तो ये वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के समय ये उपलब्धि नहीं होते ये एक तरह से क्रिप्ट मीन्स गुप्त या छिपे रहते हैं इसलिए इनको ये नाम क्रिप्ट गुप्त दिया गया है तो ये सूडो क्रिप्ट एंटीजन होता है ये सरपेस के नीचे एक तरह से छिपे रहते हैं और ये जो सिर टेस्ट होते हैं उसके दौरान ये प्रकट नहीं होते तो एंटीजन में एंटीजेनेसिटी की जो यूनिट होती है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स होती है और इसकी जो बहुत ही कम रीजन में ये निरूपित की जाती है तो एंटीजन पर पाया जाता है इस एरिया की जो केमिकल स्ट्रक्चर और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिक होता है जो कि शीर में रिएक्शंस को शो करता है तो एक एंटीजन पर कई बहुत सारे डिटर्मिनेट ग्रुप्स या साइट्स पाए जाते हैं तो प्रोटीन एंटीजन पर पेंटा या हेक्सापैपटासाइड पेप्साइड्स भी पाए जाते हैं तो एंटीजन डिटर्मिनेट जो होते हैं वो ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव में होते हैं और इसके अलावा ये फोर हंड्रेड से वन थाउजेंड के मोलिकल वेट का भी होते हैं तो एक एंटीजन पर कई सारे डिटर्मिनेटर साइट्स वो मोजेक बनाते हैं और इनके हर एक टाइप का डिटर्मिनेट एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी को डेवलप करने की कैपेसिटी भी रखता है एंटीजन प्रोटीन पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड और न्यूम्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड इस नेचर के ये होते हैं अब हम यहाँ देखेंगे हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस तो एंटीजन एंटीबॉडी की अविक्रियाएँ क्या होती हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती है उसको फाइव टाइप्स में बांटा गया है फर्स्ट है प्रिसिपिटेशन या अवक्षेपण सेकंड है एगुलनाइट्रेजन या समूहन और थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण फोर्थ है लाइसिस या लयन और लास्ट फिफ्थ है फेगोसाइटोसिस या बक्षाणुनाशन अब हम इस डायग्राम के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस या प्रतिजन प्रतिरक्षी की जो अभिक्रियाओं के बारे में हमने देखा था भी फाइव टाइप्स के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि इस डायग्राम में अपर साइड में एंटीजन एंटीबॉडी इसके बाद में जो रिएक्शंस होती है उसके बाद में जैसे कि अभी हमने देखा था प्रिसिपिटेशन तो यहाँ पर सारे स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे तो प्रिसिपिटेशन में क्या होता है कि जो सॉलीबल एंटीजन होते हैं उनसे संबंधित अगर एंटीबॉडी से वो अगर अटैच हो जाते हैं अटैच होने पर कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बनता है तो ये रिएक्शंस होती है वो कई फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर पीएच इलेक्ट्रिक इनके क्वांटिटी पे उपस्थित होने पर ये संपन्न होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी की जो हर एक इसकी जो मात्रा होती है उसके आधार पर ये रिएक्शंस शो करते हैं तो ये एंटीजन एंटीबॉडी की जो मात्रा होती है उसके आधार पर इसकी कई लेयर्स में डिवाइड हो जाती है ये प्रिसिपिटेशन में होता है अब सेकंड है इसका एगुनाइटेशन या समूहन तो जो पार्टिकल के फॉर्म में एंटीजन और एंटीबॉडी की बीच में अगर कोई ग्रुप या समूह बनने की जो रेक्शंस होती हैं उसको समूहन एगुलटेजेशन कहते हैं जो कि जो दूसरे एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में होती है तो प्रिसिपिटेशन की तुलना में ये थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ब्लड ग्रुप्स की जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एगोनाइटेशन की रिएक्शन भी देखी जाती हैं अब इसका जो बॉटम साइड में हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण तो उदासीनीकरण में क्या होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो उदासी कारक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीजन जैसे कि ये विषाणु का जो कवर या कैप्सिट से करके इसे ये इनएक्टिव कर देती हैं इसलिए ये विषाणु हॉस्ट की जो सेल्स होती हैं, उन पर अटैच होने में भी अनकैपेबल रहते हैं और इसका फोर्थ टाइप्स था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में लाइसिस जो कि ये हमें न्यूट्रलाइजेशन के अपर साइड में डायग्राम में दिखाई दे रहा है लाइसिस लाइसिस या लेन में क्या होता है कि जो न्यूट्राइजेशन की रिएक्शन होने के बाद जो बची हुई सेल्स से हैं उनका अवघटन किया जाता है और अवघटन की जो क्रिया होती है उसको ही लाइसिस कहते हैं अब इसके बाद में लास्ट स्टेज आती है फेगोसाइटोसिस या बक्षाणुनाशन तो जो हमें डायग्राम में बॉटम साइड में और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा फेगोसाइटोसिस तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के बाद में फैगोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं वो डब्लू बी सी होती हैं और ये सेल्स या तो वो रोगाणुओं का उनको भक्षण कर लेती है और उन्हें ख़त्म कर देती है और कुछ एंटीबॉडीज़ उनको भी ऑप्सोन कहते हैं इस क्रिया को वो स्टूमलेट करती है तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो प्रिसिपिटेशन की रिएक्शंस करते हैं और उसे प्रेसीपटिन कहते हैं प्रेसीपिटिन और जो एंटीजन होते हैं उसको प्रिसिपिटिनोजन कहते हैं इसी तरह एंटीबॉडी जो एगुलट्रोजन या सम्मोहन करते हैं वो एगोट्रीन या समूहन और जो एंटीजन होते हैं उसको एग्रिनोटोजन या समूहजन कहते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती है वो एक तरह से सेफ्टी के लिए होती है जिससे कि बॉडी है वो स्वस्थ बनी रहे तो इसमें एंटीजन में दो चेंज होती हैं एक तो हैवी चेंज और एक लाइट चेंज तो हैवी चेंज होती हैं वो भी वेरियल प्रोटीन और कैंसर प्रोटीन में ये डिवाइड होती हैं और जो लाइट चेंज होती हैं उसी से ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है सभी को धन्यवाद इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एंटीजन या प्रतिजन कंप्लीट हो चुका है